आज तक आपने आलू को किस किस रूप में खाया? सब्जी की फॉर्म में खाया होगा, फ्राइज की फॉर्म में खाया होगा। तो चलो आज आपको आलू का एक अलग ही अवतार दिखाते हैं। तो आज हमने अमेज़न से मंगाया ये 1600 रुपए का स्पाइरल पोटैटो स्लाइसर, जिससे आप कुछ इस तरीके के आलू तैयार कर सकते हैं और ऊपर लगाओ टेस्टी मसाले और आहा स्वाद आ जाए। चलो भाई इसे टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही बुरी हालत में आया है यार। अमेज़न से मंगाया कहां, फ्लिपकार्ट से मंगाया है क्या? हैं कैसी हालत है ये स्पाइरल पोटैटो काटता है, हमारा काट दिया ठीक है, क्या बढ़िया था गुरु। गाइस इस तरीके का कुछ हमारा बॉक्स दिखता है, शायद आपके पास अच्छी हालत में आ जाए। 1600 रुपए का है गाइस ये। अगर आपने मार्केट में स्पाइरल पोटैटो खाए होंगे, फूड फेस्टिवल्स में मिलता है आजकल, तो लोकल दुकानों पे भी मिलता है, तो आपको पर पीस में मेरे ख्याल से 50 से 70 रुपए की एक स्टिक मिलती है, 100 रुपए की एक स्टिक मिल जाएगी। अब वैसे ही आप 16 स्टिक खाओगे, उतने में आप एक स्पाइरल पोटैटो की मशीन ही खरीद सकते हो, और घर पे जब आपका मन करे आप तब ऐसा अपने लिए स्पाइरल पोटैटो बना के खा सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए एक पोटैटो, पोटैटो मेरे को एक बार स्टिक दे दो। ये बात हो सारे, वो तो चश्मा देखना उसका कहाँ है, जंगल में बैठा है क्या है, है मिक्का सिंह है क्या? डायरेक्टर ब्रो। अच्छा ठीक है, अंधा डायरेक्टर, डिसलेक्सिक। तो ये रहा हमारा स्टिक, ये ऐसी आपको एक स्टिक भी चाहिए इसके लिए। थोड़े से छोटे छोटे आलू लेना तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके साथ ये हैंडल है जिसको आपको घुमाना पड़ता है, ये वाली इसकी ब्लेड है जिससे आपका पोटैटो स्लाइस होता रहता है, और ये आप ऐसे राउंड 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 घुमाओगे। इसको हम करते हैं नीचे और इसको लेते हैं पीछे। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टिक लेनी है और एक लेना है पोटैटो, और हमें इस पोटैटो को इस स्टिक के आर पार करना। क्या तुझे पता है कि स्पाइरल पोटैटो में आलू छिलने की भी जरूरत नहीं है, उसका टेस्ट में मजा ही तभी आता है जब वो बिना छिले हो, समझा? ठीक है, करो आलू को निकाल लो उसमें से। अच्छा हाँ ये तो है यार, अमन लव यू ब्रो, कॉन्टैक्ट करना है जिसको भी रिलेशनशिप में आना। भाई सिंगल है पर दिमाग बहुत है, तभी सिंगल है शायद। तो गाइस ये हमारा सेट हो गया, अब चलिए इसे घुमाना शुरू करते हैं। जा तो रहा है, अब फाइनली हमारा आलू स्पाइरल होने जा रहा है। आप 100 रुपए बार बार मार्केट में वेस्ट करोगे, तो उससे बेटर तो आप घर पे ही तैयार कर लो। नहीं आप गलत घुमा रहे हो, पता है क्यों? ऐसे मोशन। अच्छा तभी मैं कहूँ ये साला आगे क्यों नहीं जा रहा, तुमने कैमरा के चक्कर में उल्टा करवा दिया। नहीं भाई मेरी गलती है, मेरी गलती है। ओहो नाइस नाइस नाइस, दिस इज रिवॉर्डिंग यार, हाय मजा आ गया। और ये इतना स्मूथली वर्क कर रहा है ना, मैं क्या बताऊं। कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ, बस हो गया हो गया हो गया, मेरे ख्याल से रेडी हो गया ये, पर और आगे नहीं जाएगा। नहीं बस इतना ही। हाँ तो यार दिस इज डिसअपॉइंटिंग यार, थोड़ा सा और भी हो जाता तो। नहीं होगा नहीं होगा, बस अब क्या करूँ, वापस ले लूँ डंडी? नहीं नहीं नहीं, वापस मत लेना, खराब हो जाएगा डंडी। अच्छा Guys, guys, look at this. चलिए guys, ये देखिए कुछ इस तरीके से हुआ है हमारा स्पाइरल पोटैटो तैयार। मतलब एक काम कर जाए तो बहुत बढ़िया है यार, मतलब आपके घर में अगर बच्चे भी हैं ना तो वो भी बड़ा खुशी खुशी इसको खाएंगे। चलिए इतने हमारा पोटैटो ठीक हो रहा है, हम उतने तेल गरम कर लेते हैं। ला स्टिक में डाल दे, स्टिक में रेडी, ले आ ले आ ले आ ले आ ले। अरे वाह ब्यूटीफुल यार, गाइस देखिए कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है हमारा स्पाइरल पोटैटो यार, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है भाई। चलो ये हमने रख दिया तेल गरम होने। यार मेरा मन तो था पेरी पेरी फ्लेवर वाले स्पाइरल पोटैटो खाने का, लेकिन उसका इंतजाम हमारे पास है नहीं, तो हमने बेसन का एक घोल तैयार कर लिया है, और हम कोशिश करते हैं कि इसको इसके ऊपर लगाकर फिर इसको फ्राई करेंगे। बाकी आपने स्पाइरल पोटैटो खाए हैं गाइस, और आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। बस एक ही बना रहा हूँ, ये चुप है। अब चल अब मुझे हाउसवाइफ समझ लिया है क्या, 90s की एक बनाना बना रहा हूँ। आजकल की मॉडर्न नारी ने ज्यादा काम नहीं करती, समझ में आया? एक जोक पे कितनी बार से। चलो जितने हमारा तेल अभी भी गर्म नहीं हुआ, तो इतने इसको भी तैयार कर लेते हैं भाई। अगर ये अच्छा चल गया ना तो मैं तो फिर इसकी दुकान लगा लूंगा और 200 रुपए में बेचूंगा, 8 बिकेनी और मेरे पैसे वसूल। चलिए गाइस हो गया हमारा स्पाइरल पोटैटो रेडी, इसके ऊपर बेसन भी लगा दिया हमने, अब इसको डालेंगे हम। खत्म हमारा यहाँ नहीं रहना। अरे बस इसको बार बार पलट रहे हो, तेरे होते हो अभी हुआ भी नहीं फ्राई हो, अब एक साइड से होने तो प्रॉब्लम लकड़ी फ्राई हो। हमारे काफी दिनों से बड़े सक्सेसफुल जाने लग गई हैं ये चीजें, समझदार हो गए हम टाइम के साथ। हाँ पहले तो जला देते थे, सब कुछ खराब कर देते थे, अब देखो कितना सेंसिबली तैयार हो रहा है हमारा स्पाइरल पोटैटो। चलो हो गया रेडी, निकालूं? अब अभी सीख रहे हो, ट्रेनिंग प्रोसेस में। चलो गाइस हमारा स्पाइरल पोटैटो रेडी हो गया। अभी टेक्निकली देखो असली स्पाइरल पोटैटो वाला वो जो पेरी पेरी वाला मिक्सर है वैसा मिक्सर तो नहीं बना, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और जितने हम काबिल थे उसके हिसाब से काम चलाओ चीज तो रेडी कर ली है। तो एक पकौड़ा है काइंड ऑफ स्पाइरल पोटैटो की फॉर्म में, स्पाइरल पकौड़ा है बस। ये देखो 5 स्टार की प्लेट पर स्पाइरल पोटैटो रोल। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
हाँ तो आपको कैसा लग रहा है देखकर कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे को लगता है गाइस हमने पहली बार कुछ ढंग का प्रोड्यूस करा होगा यहाँ पर, इतने टाइम से वरना चीजें जलाई और मतलब क्या क्या तोड़ फोड़ ही करी है। आपको पता है इसका राज क्या है? क्या आपकी शादी हो गई? हाँ, अब हम शादी के बाद इंसान बदल जाता है यार। चलो कोई नहीं, टेस्ट करते हैं स्पाइरल पोटैटो। ओह अच्छा बने। बस ये तो लकड़ी भी पूरी भुन गई है। भाई एक नंबर, मेरे हिसाब से तो ये मशीन बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है। 1600 रुपए मेरे तो वर्थ हो गए। बाकी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। अगली वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो वो भी बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही करारी, बहुत ही क्रिस्पी चीज बनी। हाँ मजा आ गया, स्वाद आ गया। लो भाई टेस्ट करके देखो। पकौड़ा ही तो है, इतने क्या खुश हो रहे हो? अबे टेस्ट तो कर, स्पाइरल पकौड़ा है मेरी जान, और मैंने बनाया अपने हाथों से। तभी तो डर है।